Abstain. हाँ हैप्पी अब ये क्योंकि हम क्या है पास्ट टेंस है तो उधर बदलेगा तो ही से वो मारता तो दैट आएगा और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही से बदल गया तो ही और इधर पास्ट टेंस है तो ही के लिए वाज अब यही रहता है ही से I was happy. अब ये वाज वाज है लेकिन ये हेडबिट पे नहीं बदलेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर वी टू नहीं है जी ध्यान देना होगा एक ही से दैट ही वाज टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि प्रारंभ पास के सुधर नहीं है अब ये रहता ही से से भी चलो की से आई शैल बी हैप्पी आई शैल बी हैप्पी अब ये नीचे की सेल कहां सूट बदल रहा है उड़ हो जाएगा तो ही से आई को बदला की से तो ही हो गया अभी के सामने भी लगेगा अभी इनका पास उड़ हो जाएगा सी एक और लिख लिया जाए ही से आई वाज अब क्या है इधर भी पास्ट है और इधर भी पास्ट है इधर जो है वो कैंप को ही लेकर चलेंगे लोग क्योंकि बहुत संख्या भी कम आ रही है सब सफाई में लगे हैं सब कुछ अधिक ले जाने की समस्या आ रही है हो गया चेंज कर लें आई चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ एसपी Change of other parts of speech. इसको इन शॉर्ट समझिए ना कि एडवर्ब को बदलना है क्या है एडवर्ब एडवर्ब भी आता है क्या आता है प्लेस और टाइम हाँ वही टाइम और प्लेस आता है टाइम आता है प्लेस आता है इसी चीज को हम लोग बदलते हैं टाइम प्लेस जनरली यही आता है अब क्या रहता है ना कि जो नियरनेस सेंस हो जिसका नियरनेस हो नियर जिसका नियरनेस सेंस हो
नजदीक और तो ना उसको डिस्टेंट अर्थ में दूर वाले डिस्टेंस दूरी या फिर डिस्टेंट कर लें डिस्टेंट सेंस में चेंज कर लेते तो क्या है कि नजदीक है तो उसको क्या करते हैं दूर कर देते हैं। एग्जांपल के लिए देख रहे हैं जैसे अगर आपका क्या है दिस तो दिस नजदीक बता रहा है सिंगुलर बता रहा है तो दूर का प्लुरल क्या है सिंगुलर में दूर का प्लुरल बोल रहे हैं तो दूर का अपोजिट दिस का अपोजिट दैट और वो भी सिंगुलर के लिए अब यही दिस के बदले क्या हो गया दी नहीं हो गया दो हियर हियर देयर ना समझ रहे हो Now means of, and then means of. ठीक मतलब उल्टा कर देना है कहते टू ना कहते टू डे अब तो टू बदल गया किस में दैट डे ना अब फिर कहते टू फिर नाइट फिर टू बदला किस में दैट नाइट ना अब टू डे That day, उस दिन, two night, आज रात और that night, उस रात, वो भी चटोरे हैं, है ना? अब इस तरह से है, tomorrow, next week, yesterday, previous day, है ना? तो इससे से बहुत है, उसको देख लीजिएगा अब यहाँ क्या देख रहा है अब दिस के साथ अगर कुछ जुड़ गया दिस वीक दैट वीक दीज वीक्स दोज वीक्स ना तो बदल लेंगे ना जब दिस के साथ वीक के साथ दिस आएगा तो दिस एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना ये नहीं है ये दिस के बाद जब कोई नाउन आएगा तो यह दिस क्या होगा एडजेक्टिव हो जाएगा कौन सा एडजेक्टिव हो रहा है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा तो यहाँ एडजेक्टिव भी आता है क्या आता है एडजेक्टिव भी आता है कब नाउन के साथ को भी आता है क्लियर ना इसमें तो एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं अब ये क्या था बेसिक रूल्स थे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं पांच मिनट और होमवर्क हो जाएगा कुछ नहीं तो फिर कोई वर्क नहीं होगा और मालूम होगा कि आए कथा भी प्रसाद कुछ मिला नहीं प्रसाद क्या होता है प्रसाद ऑफरिंग्स जो हम ऑफर करते हैं ना वही ऑफरिंग्स हो जाएगा और वही ऑफ स्प्रिंग अगर कहें तो क्या हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग बहुत बढ़िया तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इसको चेंज करें घर पर आप कुछ वर्क कर घर पर नहीं तो उदासी आने लगेगी नहीं रोज कुछ कुछ समझ रहे हैं और फायर करना ही नहीं हर रोज राइफल पकड़ा दिया रहे हैं पहले कि ठीक है रख दीजिए अब जाइए तो फिर फायर में जो होता है चलिए फायर कर लीजिए अब देखिए सेंटेंस पांच होते हैं ना तो पांच नियम आएंगे ईट देयर ईट If there is assertive sentence, if there is assertive sentence as reported speech, अगर reported speech के है ना में क्या हो assertive sentence हो और या assertive sentence reported speech बनकर आया हो तो
stage of reporting work. Say और stage होगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, stage से ही रहेगा और stage ही रहेगा. नेक्स्ट आता है अगर से टू हो मतलब क्या आएगा, अपने साथ ये ऑब्जेक्ट लेकर आएगा. क्या आएगा? ऑब्जेक्ट लेकर आएगा. अगर वह कहता है मैं कहता हूँ तो ये सिमिलर प्लूरल है पॉजिटिव रिपीट का. वह उससे कहता है, मुझसे कहता है, जब आएगा मैं तुमसे कहता हूँ तो टू आएगा और टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा और उसको जो बदलेंगे ना तो देखिए फेल हो जाएगा. अभी तो ये दूसरा क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच के भी जो कॉमा हो कहाँ रहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ड और इसके बीच ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा दोनों हो तो ये जो कॉमा है ये कॉमा है ना सॉरी इधर नहीं इधर जाएगा. ये जो कॉमा है इसी कॉमा के बदले यहाँ पर दैट का यूज करेंगे. इसका यूज करेंगे दैट का यूज करेंगे. थ्री रूल क्या है और लास्ट रूल, यूज चेंज ऑफ पर्सन. Change of person, change and other parts of speech in reported speech wherever required. हाँ ना वहाँ use की जहाँ required है, अब माने कि change का वहाँ use नहीं है, अब जबरदस्ती change कर बदलेंगे, मतलब जहाँ जो जरूरत है वहाँ person बदलना है तो person बदलिए, tense बदलना है तो tense बदलिए, other parts of speech बदलना है तो other parts of स्पीच बदलती है. बस यही है एसआरटी. तो एसआरटी क्या होगा, यहाँ पर एसआरटी जो है या इनवर्टेड कॉमा में रहेगा. क्या रहेगा? इनवर्टेड कॉमा में रहेगा तो यही होगा रिपोर्टेड स्पीच. अब तो सेंटेंस बनेंगे, एसआरटी का सेंटेंस बनेगा, कॉमन एरर बनेगा, इस सर्किट से रिलेटेड जो होगा इसका वर्कआउट क्या हुआ बोलिए. Required. आवश्यकता हो तो यूज कीजिए और नहीं तो यूज नहीं कीजिए. अब पैसा है तो यूजलेस पड़ेगा ना, खर्चा करते रहेंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ कीजिए. अपने यहाँ मालूम है जहाँ उसका लगे कि उपयोगिता है, यूज है, इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं यूज है नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे. फिर एक सेंटेंस बनाइए और हम करता हूँ Thank you.
चेंज कर दीजिए तो फटाफट। यू सेड ही सेड टू मी यू वर माय एनिमी अर्लियर बट वी आर फ्रेंड्स नाउ। उसने मुझसे कहा कि तुम पहले मेरे दुश्मन थे लेकिन अब हम लोग मित्र हैं। चेंज कर दिए, हो गया, बन गया। चलो बना दो लोग। दो सेंटेंस और आज का क्या बात है? हाँ, तभी से सर पर जाने लगा। हाँ, समझ में नहीं आया। समझ में आया है? नहीं, बोल नहीं रहे हैं। फिर घर जाके क्या करेंगे? क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या दिक्कत है? क्या उसमें नहीं समझ में आया? पूरा थोड़ी पूरा पीछे चल रहा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या नहीं समझ में आया वो बता दीजिए। कुछ समझ नहीं आया है? पहले से कहना अभी आया है तो कल से थोड़ा सा 8:15 तक पहुंच जाइएगा। 8:15 तक आइएगा तो बता दीजिए। बना लिया गया, चलो बना दो। आप वहां सेकंड लास्ट बेंच अभी जो इमीडिएट आइए। ही टोल्ड मी दैट करावी नवाज साथ में रहेगी। हां, ही टोल्ड मी दैट आई वाज बाकी लोग नहीं लिखेंगे है ना, देख लिया जाएगा। आंसर सही होगा तब लिखिएगा। अब वो अभी बना रहे हैं तो नहीं। रिपोर्टिंग पर पास हो तो रिपोर्टेड स्पीड भी पास हो जाएगा। उसके बाद पढ़े भी अगर पढ़ा है ना
फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से बदलेगा। बहुत बार लोग कहता है कि बहुत लोग क्या होता है कि किसी को कुछ देखकर हंसता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसको देख के हंस रहा है कि हंस के देख रहा है। कंफ्यूज कर, अधिक समझ रहे हैं इसलिए उतना हंस रहे हैं या नहीं समझ रहे इसलिए हंस रहे। अब क्या डिसीजन करो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे कैसे बनेगा? थोड़ा सा गलती रहता है कहीं ना तो थोड़ा अच्छा लगता, मतलब आप तो एक तरह से हंसी बना रहे। और कोई बनाए क्या? एनीवन? कोई नहीं है, चलिए देखते हैं। He said to me, तो said to को टोलन बता दीजिए। You told me, कॉमा हटा दो, that I am, है ना? और यू सेकेंड पर्सन अब ऑब्जेक्ट बदलेगा और यह नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव आई और यहाँ वर है तो वाज वेयर, अगर इधर पास्ट टेंस हो तो हैड बीन में बदल जाएगा तो आई हैड बीन और यहाँ माई फिर फर्स्ट पर्सन आई से बना माई तो माई जो है ही के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव भी एंड मी नाउन है कोई चेंज नहीं होगा। अर्लियर क्या है एडवर्ब है वैसी रह जाएगा अर्लियर बट कंजंक्शन है वैसे ही रहेगा। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से फिर एक बार बदलेगा, यहाँ क्या है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लुरल है तो थर्ड पर्सन प्लुरल लाएंगे तो दी हो जाएगा, है ना? और चूंकि रिपोर्टिंग पास्ट है तो रिपोर्टेड वर्ब है ना वी पास होगा तो वी के लिए यहाँ वो आर जो है वर्ड हो जाएगा फिर फ्रेंड्स नाउन है वैसे ही रह जाएगा और नाउ का देन बदल जाएगा। इतनी बार है उसको देखिए खैर पूछ नहीं पहले बताया कि हम लोग पहले ही उससे सोच के देना नहीं रे सॉन बस ना नहीं पता। हाँ सेकेंड वाले पर आ जाए जाए ही से यू हैड टू डू दिस वर्क यस्टरडे, you had to do this work yesterday. कौन बना रहे सेंटेंस को? अपने मन से बताइए जो गलत है उन्हीं से पूछा जाए। इधर से भी नहीं बना रहे हैं तो प्रयास करो, गलत तो होना है नहीं होगा सही होगा, सही नहीं होगा गलत होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। सोचेंगे ना तो कुछ नहीं होना है, सब लोग पढ़ेंगे निकलेंगे तो अपने अपने घर चल जाएंगे, सोचने की ज्यादा जरूरत है सही होगा कि गलत होगा जो मन में है बता लीजिए, सही हो गया तो विश्वास बढ़े गलत है। अब यहाँ जो है ना ये
अर्ली से अर्लियर बना है कंपेरेटिव वजह से आगे पढ़िए इस बार व्हाट कंजंक्शन लगा है तो कंजंक्शन तो यही रह गया इसके बाद क्या है ये जो है वी वी जो है फर्स्ट पर्सन है वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से देखिए वो विधानसभा लोकसभा की चलता है ना फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट है थर्ड है ना लेकिन यहाँ है क्या प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन क्या होगा तो यहाँ भी आ गया वी के बदले और क्योंकि यह पास्ट टेंस है तो वो भी पास्ट होगा तो वर्ब हो गया और नाउन का टेंस बदला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कल देख रहे थे वही है वही से अम्बी वर्ड एस्ट्रोलॉजी तो सब में आता है उसको छोड़ दिया अम्बी वर्ड है ना अम्बी समझते ना अम्बी यहाँ अम्बी और वर्ड आया अम्बी अम्बी बहुत आता है अम्बीबीएस अम PBS, SD, हम PBS होता है ना, उभयचर, है ना उभयचर वो संस्कृत के उभय उभय से बना, उभयता और पणितर, दोनों चरों, तो MP, आप इसी पर आता है MP थिएटर, ओपन जो रहता है, जो मन ये बनाया रहता जो क्या बोलते हैं उसको, ओपन ग्राउंड बनाया रहता है ऊपर खुला रहता है हम भी थिएटर तो यहाँ क्या है अम्बी उभय मुखे इसका मुख क्या हो दोनों ओर हो नहीं कहता कि दो मुंह साथ है ना बच के रहना इब्रो इसका मुंह है और इब्रो मुंह है ना दो मुखे उभय मुखे इसका मुंह दोनों ओर हो वन हु टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स उभय मुखे तो क्या है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो यहाँ क्या लेके आया है उसकी जो सोच क्या है इनवर्ड्स है और आउटवर्ड है बाहुमुखी भी है और अंतर्मुखी भी है दोनों तरह से है तो एमपी वर्ड नहीं कहता है इसका डिसीजन हाँ दोनों तरफ से अल्टरनेट ये तो पूरा का पूरा एक के बाद एक विकल्प जो कहते हैं अल्टरनेट टू अल्टरनेटिंग वन आफ्टर अनदर वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर विकल्प एसेटिक क्या होता है तपस्वी योगी सन्यासी वन हु डजंट परस्यू प्लेजर फॉर द प्लेस वह जो शरीर के सुख के लिए काम नहीं करता ना अब सेलिब्रेसी दूसरा है सेलिब्रेसी क्या होता है सेलिब्रेसी ब्रह्मचारी ये तपस्वी है जो कि है सन्यासी है वन हु डजंट परस्यू प्लेजर फॉर द प्लेस एजेंडा एजेंडा अब देखिए नेक्स्ट में बहुत आता है वो आता है मोटो एजेंडा मेमोरेंडम है ना प्लान इसका जब देगा यूज करेगा पूछेगा
item of business to be discussed at the meeting. Item of business. Business मतलब क्या होता है? काम या व्यवसाय नहीं चलेगा. आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग. जब किसी ऑनर किसी मीटिंग में चर्चा करने के लिए जो विषय लिया जाता है वह है एजेंडा. बहुत अभी नेता लोग यूज करता है कि उसका एजेंडा चल रहा है. अभी बहुत तरह की बात है ना, PFI को लेकर चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, बार बार भी लोग यही करता है एजेंडा. अब एस्ट्रोलॉजी अस्टर एस्ट्रोलॉजी से निकला, वैसी से निकला ये अस्टर अस्टर. अब फ्लावर यानी कि स्टार से हुआ फूल जो स्टार के शेप का है, तारे का शेप का है, आकार का है. अब फ्लावर यानी कि स्टार से अस्टर उससे रिलेटेड कर दिया अस्टर टू एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी है नहीं, मतलब उस शेप को ले लिया, उसे कंपेयर कर दिया. एग्रो, बस एग्रो जो हमारे वो कृषि एग्रीकल्चर. एग्रोनॉमिक्स कृषि विज्ञान, द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट. सोइल और लैंड भूमि हो गया लैंड मैनेजमेंट. एग्रो बस ध्यान देना यहाँ एग्रो है ना, एग्रो इसका रूट है. नेक्स्ट है ये तो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी के दिन चर्चा हुई थी. बायोग्राफी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर वन. अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर वन, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे का जीवन वृत्त लिखा गया जीवन वृत्त. बैंकक्रप्ट ये बहुत आता है. बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट से इंसॉल्वेंसी, बैंकक्रप्टसी बैंकक्रप्ट से आता है. तो बैंकक्रप्ट दिवालिया, इंसॉल्वेंट दिवालिया और इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्टसी दिवालियापन. बहुत कर्ज के बोझ में हो जाते हैं और जब लास्ट में वो कहता है कि उसके पास है ना लिवलीहुड के अलावा कुछ नहीं है और वह भी किसी कॉर्पोरेशन से ही हो रहा है, कॉर्पोरेशन में बैंकक्रप्ट हो गया. बैंकक्रप्ट हुआ, बैंकक्रप्ट नहीं हुआ. तो जब वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है कंपनी बर्बाद होना, अभी चाहिए फिर से आ रहा है रिसेशन, आर्थिक मंदी शुरू हो चुकी है. दो वर्ड है बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, दोनों का अपना वही दिवालिया. बैंकक्रप्ट से बनता है बैंकक्रप्सी और इंसॉल्वेंट से बनता है इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन. और ये दिवालिया. बाय गॉड अ पर्सन अटैच्ड लोनली ओपिनियन सिस्टम और पार्टी. वह व्यक्ति जिसका अपना एक निजी ओपिनियन होता है, विचार होता है किसी धर्म के प्रति,
ओके बाय गॉड अपने घर में हट कर भी कट्टर मतलब अपने विचार को छोड़कर किसी और के विचार को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। अभी बोटानी है ना जूलॉजी बॉटनी बहुत लोग समझ रहे हैं बॉटनी से बोटानी वन हु इज वेल वर्स वर्स मीन जानकार होता है वेल वर्स इन द नॉलेज ऑफ प्लांट जो पौधों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है बॉटनिस्ट। Agreement or engagement that a person is bound to observe. Agreement of bound मतलब क्या? Bound. ये bound है या ये bound है? उसका past tense हो गया. Bound मतलब क्या होना? अधीन होना. Agreement or engagement कोई agreement समझौता पत्र That a person is bound to appear किसी कोई व्यक्ति करने के लिए क्या हो बाध्य हो तो उसको कहते हैं बॉन्ड कहते हैं कि बॉन्ड साइन करवा लिए पैसा दिए तो बहुत जगह जब लेन करते उधार लेते बोरोड करते हैं तो क्या कहता है बॉन्ड साइन करवाता है ना एग्रीमेंट का तो जो एग्रीमेंट बनता है उसका क्या बॉन्ड मसौदा बॉन्ड बनता है अनुबंध होता है कि हाँ किस टर्म कंडीशन के द्वारा आप ये काम होगा या फिर पार्टनरशिप होती है तो फिर वहां बॉन्ड बनता है ये पार्टनरशिप का जो है रजिस्टर्ड अगर पार्टनरशिप है विदाउट रजिस्ट्रेशन भी होता है तो एक बॉन्ड बनता है दोनों का आपस में एक प्रोग्राम की हां दोनों इस तरह से पार्टिसिपेशन करेंगे तो जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं उसमें कुछ लोग स्लीपिंग पार्टनर होते हैं स्लीपिंग पार्टनर समझते हैं स्लीपिंग पार्टनर Sleeping partner, the person who invests money in a business but doesn't involve physically. जो शारीरिक रूप से उसमें शामिल नहीं होता बस केवल अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है पूंजी इन्वेस्ट करता है उसके अगेंस्ट में वो उसका फायदा लेता है तो वह स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं उसको। बहुत सारे बिजनेस है जुटे हुए हैं आपको पता नहीं है होगा कि ठीक है बात पता चलेगा किसी और कहीं होंगे ब्यूरोक्रेसी कर्मचारियों के द्वारा ना अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल वह सरकार जो ऑफिशियल के द्वारा चलती हो जिस प्रशासन ऑफिस का हो वह क्या है ब्यूरोक्रेसी कल ऑटोक्रेसी देखे थे ऑटोक्रेसी ना ये ब्यूरोक्रेसी है अरिस्टोक्रेसी है प्लूटोक्रेसी है क्रेसी वर्ड है तंत्र ब्रेगार्ड तंभी अवे पोस्टिंग के लोग वह व्यक्ति जो क्या करता है शो ऑफ टेंडेंसी रखता है क्या रहता है शो ऑफ टेंडेंसी जिसको घमंड करते हैं है ना अवे है ना पोस्टिंग फेलो पोस्ट मतलब क्या होता है सेल्फी बघाड़ना अपनी पढ़ाई खुद करना प्रेज वन सेल्फ खुद की प्रशंसा करने वाला पढ़ाई करने वाला प्रिग्रेस एनुअल था अब ये देखिए बाइनियल है एनुअल जो वर्ष में एक बार होता है अब बाइनियल प्रिकल ब्रिकल इसको दूसरा वर्ड कह सकते हैं क्रिस्प क्रिस्प अंगूर फ्रेजिल ना फ्रेजिल आसानी से टूटने वाला कुरकुरा आसानी में टूटने जो
पहली है ना जो वर्ड में यूज किए थे लोग है ना रूट वर्ड नहीं था पहली पहली ग्रेन पहली कॉस वही है पहली ग्रेन जो था वन हु इज इंगेज इन फाइटिंग फाइटेड दो पैर वाला क्वाड्रेटिक तो चार पैर हो जाता है और बाइपेड दो पैर वाला है नहीं मालूम इसको क्यों के बाइपेड कंगारू का तो ऐसे भी कंगारू ही होता है डबल को लीक ही रहेगा डबल रहता है पूरा सेंटर तो डबल रहेगा पाइप पे पाइप के में अभी आ गया गेम की पॉली के पीछे बताया ना पॉली पाउडर पॉली एंगल क्या होता है बहुभुज का क्या होता है पॉलीगन तो इसी से आगे है ना ये तो है बाई मतलब तो बाई के भी उसका जो तो है ना स्टेट ऑफ हाइपिंग टू वाई टू वाई जो तो इसके दो पत्नी हो है ना द स्टेट ऑफ हाइपिंग टू वाई एट अ टाइम बोलिए वाइफ का प्लूरल वाइफ हुआ है बुच्चर पुराना वर्ड है पर्सन हूज A person who kills animals for food and selling meat. Burglar. A person who enters a building illegally. Buyer. ये तो पुरानी बात है. Buyer. 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 Fire. Frame on which a dead body is carried or placed. चार लोग लगते हैं Frame on which a dead body is carried or placed before the burial. दफनाने से पहले हुआ फ्रेम हुआ ढांचा जिस पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो डेड बॉडी को क्या कहते हैं क्या मर्चुरी हुआ होता है वह स्थान जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है हॉस्पिटल में मर्चुरी मजा आता है मर्चुरी के बॉक्स में बंद होते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है ना सीन जमा नहीं रहता है ना हाँ तो वही रहता है देखिए हम लोग भोजपुरी भोजपुरी में इंग्लिश का यूज करते हैं लोग बातचीत करते हैं क्या कहते हैं कि बनले बारा हुआ पैनल है पैनल
second eye, brain neurology. By video, 5 PM, 2 hours of उसको ध्यान होगा, एक होगा पेंटिंग पेंटिया और एक होता है फोबिया. मेनिया और फोबिया याद है? मेनिया का तो वह अ पर्सन हू लव और कलेक्ट बुक्स, तो ये क्या है? मेनिया है. यह एक तरह से माइग्रेन मेनिया है. क्या माइग्रेन? फाइन. Who loves or collect books? Collect books. नहीं नहीं यहाँ के अब पर्सन हुआ व्यक्ति who. अब ये क्या है? लव. यहाँ ये डिफाइन किया है, ध्यान दीजिए ना. ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, ये और लगाया है. और ये एक पर्सन जो है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि एंटीहन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होता है. समझ पड़ रही है? सब बात गलत हो रही है. अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, वह व्यक्ति जो पुस्तकों को संग्रहित करता है या पसंद करता है. बाय वीडियो फाइल प्लस फेमस Blast famous. One who is irrelevant towards God. वह जो ईश्वर को नहीं मानता, उसको निंदा करता है. Beavers pay any type of drink except water. Any type of drink except water. बाकी सारा पोटेशियम साइनाइड भी खोलिए तो भी तो Biopsy, the examination of fluids of tissue taken from a living body to diagnose a disease. Biopsy, सब का अंत परीक्षा जो होता है ना, उसका क्या बीमारी से किस कारण से हुआ है, तो बायोप्सी होता है. Backbone. Salted or smoked meat from the back or sides of a pig. The pig के मटन को क्या कहते हैं? वो चॉकलेट वाले को भी और काम हो जाता है. बाकी जैसा और है वो क्या हो जाता है? और हेन का है, खोप का है, तो और क्या होता है? पोल्ट्री आएगा, पोल्ट्री तो आधा बोल पूरा. जब केवल पोल्ट्री आएगा ना, तो वह स्थान जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है. अब दो पोल्ट्री में इंस्टीट्यूट होता है, जैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र. दो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था आर्टिकल में बताइए. A passenger in a car who gives unwanted advice to the driver. हाँ वो तो बोलते कि हाँ भैया जी थोड़ा बचा के. Last one, baby sitter.
Baby sister, you see the baby sister. Next is baby minder, a person paid to look after a baby for a long period, he is a baby minder. अब ये बेबी सिस्टर को जो पेमेंट देता है वो क्या होगा? बेबी माइंडर, माइंड टू माइंडर। अब दो मिनट के लिए भी थोड़ा सा पकड़ लीजिए, थोड़ा पानी पी ले तो उसका थोड़े चार्ज दे। हाँ, अब देखने होता है कि वहाँ पर जो मैंने जो पानी पी रहा है, उसका भी चार्ज हो जाएगा। और लास्ट बाबून, ये तो जुमे रहता है। लार्ज अफ्रीकन और अरबियन मंकी विद डॉग लाइक फेस, जिसका फेस डॉग की तरह हो। नेक्स्ट जो होगा आप वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या तो फिर अपने से कर लें, और इसका केवल क्या होगा डिवीजन में ही हम लोग कर लेंगे, वही जो वर्ड आएगा उसका क्लियर होते चलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। विस्परिंग, मर्मरिंग और हमिंग, तीनों में से कोई बंद नहीं हो रहा है। और दूसरा टॉपिक रहेगा, मन नहीं लग रहा है तो टाइम पास कर।